खुल जा सिग्नल, खुल जा रे बाबा, जल्दी है अपने को। ओ बस वाले अंकल साइड दे दो थोड़ा। ओ भाई फिर से सिग्नल, अंकल जी रोज दे दो। कितना करके? 60 रुपया बंडल में कितना रहेगा? संडे को सिग्नल होना ही नहीं चाहिए, बात बात पे सिग्नल आ जा रहा है, सामने जाके खड़ा हो जाते हैं। खुलेगा उड़ जाएंगे। यहाँ से एयरपोर्ट बचा है 13.5 किलोमीटर। जी हाँ, अभी हम एयरपोर्ट जा रहे हैं और अभी बज रहे हैं सुबह के 11:50 और आज है, कोई भी डेट होगा बट आज संडे है और कल मामा का मतलब मंडे को मामा का जो फ्लाइट था एयरपोर्ट से वो कैंसिल होने वाला है, पता नहीं क्यों। उसी का खोज खबर लेने जा रहे हैं। कैंसिल इन दी सेंस, वहाँ पे पता चला कि कोविड का रिजल्ट लगेगा, कोविड टेस्ट लगेगा और मामा ने अब तक कोविड टेस्ट नहीं कराया। कोलकाता में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं सब में मामा ने सुबह से कॉल कर लिया, सब ने बोला 24 आवर्स से ज़्यादा लगेंगे, उसके पहले नामुमकिन है। तो अभी जा रहे एयरपोर्ट, वहीं पर जाके कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा वरना मामा का फ्लाइट छूट जाएगा और मामा कल जा नहीं पाएंगे। तो मैं तो एकदम चैन की नींद सो रहा था भाई, संडे है, ठंडा का मौसम है तो सुबह राइड वाइड का कोई प्लान ही नहीं है। अपन एकदम बिंदास सो रहा था, 12 बजे उठने का प्लान था बट मामा ने 11 बजे उठा दिया, बोलते हैं चलो बैड न्यूज़ है, बताते हैं रास्ते में, लेके आए तो बताए ऐसा ऐसा कहानी है। तो दिन मैंने आप लोगों के साथ ये कहानी शेयर की। अभी चलते हैं एयरपोर्ट, जा कर के देखते हैं क्या होता है। भाई साहब चेकिंग चल रहा है, बच गए आपून, एनएस वाला को पकड़ लिया यार, मैं भी ओवर स्पीडिंग किया था बट बच गया, वो एनएस वाला बेचारा पकड़ा गया यार। पुलिस ने हाथ दिखाया अपना तो कलेजा ही धड़कने लगा। हो, अगर मैं एनएस वाले के आगे रहता ना कंफर्म पुलिस वाले मुझे ही रुकाते, उसको नहीं रुकाते। हो, थैंक गॉड अभी इधर पे फंस जाते तो चालान तो कटता ही, प्लस एयरपोर्ट पहुँचने में भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। बच गए। ऑटो वाले अंकल थोड़ा सा साइड दे दो, यहाँ 220 में ये जो बैग लटका हुआ है ये शायद इनके चक्के में लग रहा है। 100 टका खुल जाओगे तो 100 टका आगे तो इटा काटते हो तो ना। अच्छा फिलहाल तो एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और यहाँ पे पार्किंग ना क्या एक 20 रुपये का काट लिया, पता नहीं पहले तो नहीं काटता था। यहाँ पे साइड में रुकते हैं, मामा जी अंदर जाएंगे और पूरा मामला का सॉल्यूशन निकाल करके आएंगे। कहाँ पे रुके मामा? वहाँ पे सामने जाके रुकते हैं। अब कौन सा गेट से ढुकिएगा? बैग दे दीजिए, हेलमेट दे दीजिए। चलो जी कहीं साइड में थोड़ा सा नुक के खड़ा हो जाते हैं। ऐसे खड़ा होने का तो यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, ड्रॉप एंड गो है, नो पार्किंग है बट अपन ट्राई करेगा थोड़ा सा यहाँ पे खड़ा हो जाने को। क्यों हुआ? पता है क्या कंडीशन है यहाँ का? बताइए। अंडमान से और सूरत का कोई दिक्कत? हाँ, वो बोला है 8 घंटा में रिपोर्ट दे देता है। कहाँ पड़ी, कौन सा हॉस्पिटल में? तो चलिए हॉस्पिटल में डायरेक्ट। मामा जी फोन कॉल पे लगे हुए हैं, यहाँ से 3-4 हॉस्पिटल का नंबर दिया है। बोला 8 घंटे में रिपोर्ट दे देंगे बट यहाँ पे और फोन कर रहे हैं तो पता चल रहा है 48 आवर्स। और अभी यहाँ पे देख रहे हो वॉशिंग हो रहा है, इसका मैंने स्टोरी बना लिया और इंस्टाग्राम पे अभी अपलोड कर दिया मैंने। चलो जी, तो मैं आप लोग को अभी स्टोरी समझाता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या। अभी जो मेरे मामा पीछे बैठे हुए हैं, सुधाकर मामा, जिनको मैं पिछले 2 दिनों से कोलकाता घुमा रहा हूँ, वो कल सुबह यानी कि 28 दिसंबर को 6:30 बजे फ्लाइट से सूरत जाने वाले थे और एक मामा के पास, नीरज मामा के पास, वहाँ जा करके वो गोवा मुंबई वगैरह घूमते और सूरत गुजरात भी घूमते। और इनके जो मम्मी पापा है यानी कि मेरे नाना नानी, वो भी यहीं पे आए हुए हैं इन्हीं के साथ। वो कल सुबह 5:30 बजे का फ्लाइट पकड़ के जाने वाले थे अंडमान और एक मामा के पास, वहाँ जाके वो घूमेंगे और 1 सप्ताह बाद रिटर्न चले आते, तो ऐसा कुछ प्लानिंग था।
बट सुबह सुबह पता चला कि अंडमान जाने के लिए कोविड टेस्ट का रिपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है और कोविड नेगेटिव होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मामा ने जो अंडमान का टिकट था नाना और नानी का वो वाला कैंसिल करा दिया यहाँ पे, और खुद जा रहे हैं सूरत। मतलब सूरत जाने के लिए कोविड का रिपोर्ट ज़रूरी नहीं है, सिर्फ अंडमान जाने के लिए लग रहा है अभी फ़िलहाल। तो बस ऐसा ही सीन है, तो नाना नानी का टिकट कैंसिल हो गया और मामा कल सुबह सुबह सूरत चले जाएंगे और एक मामा के पास, वहाँ जाके घूमेंगे फिरेंगे मौज करेंगे। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ऐसा लगता है चक्का स्लिप होते जा रहा है। जब से वो मुझे चेस करने का ट्राई कर रहा था, मुझे खाली रास्ता मिल ही नहीं रहा था। जीत गए जीत गए जीत गए, हैशटैग जीत गए। फन है भाई फन है। ये देखो ये फिर से आ गया, अभी पीछे से जस्ट सामने आकर के निकल गया और टान रहा है क्या बंदा। ये देखो मैं फिर आगे आ गया, वो फिर देखना अभी पीछे से सामने जाएगा। देखो लेफ्ट साइड से बंदा मुझे चेस कर रहा है फुल स्पीड में, मैं भी पिकअप दे दिया। ये देखो संडे को ऐसा ऐसा मजा आ जाता है ना, मत ही पूछो। मतलब संडे को अगर रोड पे बाइक लेके निकलोगे कोई ना कोई चेस करने वाला मिल ही जाएगा, खास करके कैमरा देख करके तो लोग ज्यादा चेस करते हैं। आएगा देखो अभी लेफ्ट वाले रूट से। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो देखो अभी मैं फिर आगे चला जाऊंगा। बूम 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 बूम। अब मैं आस्ते आस्ते क्रॉस करूंगा, एकदम आस्ते आस्ते। मेरा पीछे का चक्का में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, अभी बहुत ज़्यादा घिस गई है, कर्व में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अपने को तो एकदम सीधा ब्रिज पकड़ के हुगली क्रॉस करना है, देखते हैं ये बंदा कहाँ तक जाता है अपने साथ। चलो अब मैं आगे निकलता हूँ। मामा भी पीछे बैठ के हंस रहे हैं जोर जोर से। अभी देखना वो फिर से पूरा टोटल दे करके आएगा और सामने से निकल जाएगा। अभी मेरा स्पीडोमीटर आप लोगों को शो नहीं कर रहा है, नहीं तो पता चलता मैं कितना ज्यादा स्पीड में हूँ। आज का मौसम बड़ा ही लाजवाब है, धूप उग रखा है बट उधर पे पूरा फॉगी फॉगी मौसम हो रखा है और ठंडा ठंडा हवा भी चल रहा है। मतलब संडे हो तो ऐसा संडे का मौसम हो। आई थिंक उधर से अभी एक सुपर कार गया, मैं ध्यान नहीं दिया। वैसे अभी वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कुछ भी बताना हो तो कमेंट कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, घूमते रहिए फिरते रहिए ऐश करते रहिए मजे में, बाय बाय।